जय हिंद। मैं हूं कर्नल दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट दानवीर सिंह। बात करने वाले हैं आज हम पाकिस्तान के IMF बेलआउट को लेकर। क्या पाकिस्तान की समस्या इकोनॉमिक है या पाकिस्तान की समस्या उसकी सोच है? तो गड़बड़ कहाँ है, इकोनॉमी बदहाल क्यों है, इसका आंसर हम तलाशने की कोशिश करते हैं। और इस का जवाब तलाशने के लिए हम अफगानिस्तान के अंदर जो गतिविधियां हुई उस पूरे इलाके के अंदर पिछले 30-40 साल, उसके ऊपर एक उसका रिव्यू करेंगे, जिससे हमें यह पता लगे कि पाकिस्तान की सोच क्या है और इस सोच की वजह से इकोनॉमिक हालात इस तरीके के बने हैं और IMF के बेलआउट पैकेज इनको लेने की जरूरत पड़ रही है और आगे भी पड़ती रहेगी, क्योंकि ये सोच में तब्दीली नहीं हुई है और ना ही होने की उम्मीद है। अब जैसा कि हम सबको मालूम है कि मेरे ख्याल से 24वां बेलआउट पाकिस्तान अभी लेने जा रहा है और इसकी रिव्यू मीटिंग्स जो है मेरे ख्याल से शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान की तरफ से ये बोला गया है कि लॉन्ग टर्म लंबी अवधि वाला बेल आउट अब इस बार हमें चाहिए होगा। और ये बेल आउट के पैसे ज़्यादातर कहाँ जाते हैं? वो ज़्यादातर सेना में जाते हैं, सेना के रखरखाव में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के रखरखाव में जाते हैं और जो पहले के लोन्स लिए हुए हैं उनको अदा करने में जाते हैं। कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं है, एजुकेशन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, इंडस्ट्री में नहीं है, इकोसिस्टम ऐसा डेवलप नहीं हुआ है। ये याद रहे कि इंडिया में भी अगर आज सेमीकंडक्टर के प्लांट्स असम में लगने जा रहे हैं तो उसके पीछे 30-40 साल के रिफॉर्म्स हैं, मेहनत है, एजुकेशन के अंदर इन्वेस्टमेंट है, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसे ही चीज़ें हो जाएं और तो नामुमकिन है। अब पाकिस्तान के अंदर ये रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहे हैं, क्या कारण है, इसके पीछे क्या सोच की मजबूरी है? तो सबसे पहला जो पॉइंट जो आता है वो इन लोगों का पॉलिटिकल मजहब जो है, जो 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 देश को चलाने के लिए जो प्रिंसिपल्स हैं वो मजहबी हैं। और मजहबी जो प्रिंसिपल्स हैं वो 1400-1500 साल पुराने हैं, वो आज के ज़माने में इन सिंक नहीं हैं। ये ज़माना अब आगे आने वाला और भी मुश्किल पैदा करेगा, क्योंकि आगे आने वाला ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होगा। पूरी दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति के निजी जीवन में, हर एक मुल्क, हर एक संस्था के अंदर AI से बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन होने वाला है। क्या डिस्ट्रप्शन होगा और उसके क्या नतायज होंगे ये अभी किसी को नहीं मालूम। आज ही यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में AI को लेकर भी एक लॉ पास हुआ है, या जो भी उनका वो सिस्टम है वो पास हुआ है। वो बेसिकली AI को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, हर एक कोई AI को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, क्योंकि AI के आने से डेमोक्रेटाइजेशन हो जाएगा, अमेरिकन मोनोपोली, यूरोपियन मोनोपोली खत्म हो जाएगी या चैलेंज हो जाएगी और कंट्रीज लाइक नाइजीरिया, इंडिया, श्रीलंका और इस तरीके के जो मुल्क हैं ये उभर कर सामने चुनौती पेश करेंगे। अब ऐसे एनवायरनमेंट में क्या पाकिस्तान अपने 1500 साल पुराने मजहबी असूलों को लेकर इस दुनिया में जीवित रह पाएगा? ये तब बात करी जा रही है जब सऊदी अरेबिया और अन्य अरब मुस्लिम ममालिक अपने आप में बदलाव लाने के लिए तैयार हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया में बदलाव दिख रहा है, बदलाव लेके आया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो पाकिस्तान में ऐसा
क्यों नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसको समझने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि हमको अफगानिस्तान चलना पड़ेगा। अब कोल्ड वॉर, शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन का खौफ और उस खौफ को और अपनी लोकेशन, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी पाकिस्तान की, उसका लीवरेज लेते हुए वेस्टर्न पावर्स को कन्विंस किया कि आप को अगर इस एशियन रीजन में, दैट इज साउथ एशियन एंड वेस्ट एशियन रीजन के अंदर, अगर सोवियत यूनियन का मुकाबला करने में कोई सक्षम है तो वो पाकिस्तान है। क्योंकि इंडिया सोवियत यूनियन के तरफ लीन था और वेस्टर्न कंट्रीज को इंडिया पर भरोसा नहीं था, तो इस चीज का फायदा पाकिस्तान ने बखूबी उठाया और मिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड उन्होंने किसी ना किसी रूप में हासिल करी। दिन अच्छे थे, खुशहाली थी, इंडिया से अच्छी उनकी जीडीपी थी। और फिर सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में आ गया तो जिहाद के नाम पर अरबों खरबों डॉलर्स पाकिस्तान के अंदर आए और उससे इनका काम चला। अब पाकिस्तान की सोच में क्या है कि किसी भी हालत में इधर उधर से पैसा लेके आया जाए, उस पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जाए, क्योंकि बेसिक दुश्मनी उनकी सिर्फ एक मुल्क से है और वो है हिंदू डोमिनेटेड इंडिया से। और कोई की भी बात हो, वो फोकस आके टिकता है इंडिया के ऊपर। आज की तारीख में उन्होंने इतनी बड़ी सेना बना रखी है और खौफ दिखाते हैं कि इंडिया से उनको डर है। दरअसल ये सेना इसलिए बनी है कि मौका लगते ही हिंदुस्तान को तंग किया जाए, हिंदुस्तान के ऊपर जो उनका जो गजवाए हिंद का फतूर है और गजवाए हिंद की जो जो सपना है उसको वो साकार कर सके। और इस चक्कर में ये पूरी तरह लगे। पाकिस्तान का फोकस सिर्फ एंटी इंडिया रहा है, किसी भी हालत में इंडिया के अंदर खलबली पैदा करी जाए, डिसरप्शन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो और उसको डिसइंटीग्रेट कर दिया जाए, ये इनका पहले दिन से सपना है। इनको ये किसी भी हालत में ये चीज गले से नहीं उतर रही कि ये एक समय इस्लामिक मुल्क था और औरंगजेब के समय हरा परचम लाल किले पर लहराया करता था, अब तिरंगा लहराता है, तो ये इससे बहुत परेशान है। इस्लाम की आंधी को रोकने में हिंदुस्तान और भारतीय लोग जो हैं वो सफल रहे हैं, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये हर चीज में दिखती है। अब इन्होंने अफगानिस्तान के नाम पर, सोवियत यूनियन को काबू करने के नाम पर अरबों खरबों रुपए, जैसा मैंने कहा, डॉलर जो है वेस्ट से लिए और उनको बेवकूफ बनाया। और जब ये पूरा खेल चल रहा था, सोवियत यूनियन का खौफ दिखाया जा रहा था और उस खौफ के चलते इन्होंने न्यूक्लियर बम भी बना लिया और उसकी उसको बम बनाने में मदद अमेरिका से भी हुई, चाइना से भी हुई और इंडिया इसके ऊपर चिल्लाता रहा, लेकिन इंडिया की किसी ने बात नहीं सुनी। वो बम भी, न्यूक्लियर बम, सोवियत यूनियन को रोकने के लिए अमेरिका ने बनने दिया, लेकिन दरअसल उसका इस्तेमाल या उसकी जो तैनाती है वो हम लोगों के विरोध में है, विरोध में है। अब जितना भी पैसा आया उन्होंने अपनी फौज को मॉडर्नाइज करने में लगाया, उन्होंने भारत के अंदर दहशत गर्दी फैलाने में लगाया। 30 साल तक हमने इस देश के अंदर दहशत गर्दी की अथाह देखी है। आए दिन कोई ऐसा हफ्ता महीना नहीं जाता था जब भारत के अंदर कहीं ना कहीं बम धमाका ना होता था। ये सारा पैसा, सारा जोर उन्होंने यहां इधर हिंदुस्तान को तबाह करने में लगा दिया। इस पूरी फैक्ट्री के अंदर, इस पूरी तबाही की जो फैक्ट्री इन्होंने चलाई, इनके लिए ना तो आईआईटी की जरूरत है,
ना आईआईएम की जरूरत है। इसके लिए इनको जो जरूरत है वो मदरसे और मौलवी की जरूरत है, वो उनके पास है और ये इनका इन्वेस्टमेंट है। अब आप देखिए कि अफगानिस्तान में अमेरिका इनका दोस्त था, अमेरिका इनके ऊपर एतबार करता था, इन्होंने अलकायदा को भी शरण दी, इन्होंने तालिबान को भी शरण दी, तालिबान को इन्होंने ट्रेन किया, हथियार दिए, उनकी रणनीतियां तैयार करी और तालिबान की मदद से अमेरिका को भगाया, अमेरिका का पूरा मंसूबा फेल कर दिया। अरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के इस पूरी एक्साइज में तबाह हुए, हजारों लोग उनके मारे गए, कितने सारे अफगानी विस्थापित हुए और बहुत बड़ी तबाही का जो मंजर था वो आए दिन देखने को मिलता था अफगानिस्तान से। और उसके उसके जो रचयिता थे वो GHQ रावलपिंडी में बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। लेकिन तालिबान ने इनका फायदा उठाया, ये अफगानिस्तान चले गए और पे काबू कर कब्जा कर लिया। तो पाकिस्तान की तीन डिमांड थी। पहली डिमांड, ड्यूरेंड लाइन को रिकॉग्नाइज कर लीजिए आप। दूसरी डिमांड, इंडिया को, इंडिया के जो भी वहां पर लोग हैं उनको वहां से बाहर निकाल दिया जाए और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को पकड़कर इनके हवाले कर दिया जाए। तो ये तीन डिमांड थी। उन्होंने ये तीनों डिमांड ठुकरा दी। आज के तारीख में इंडिया की प्रेजेंस पहले से ज्यादा है वहां पर, वहां पर डेवलपमेंट के कार्यों में इंडियन इंजीनियर्स और लोग लगे हुए हैं। तहरीक तालिबान को पूरी शरण और पनाह तालिबान ने दी है और ड्यूरेंड लाइन को वो कतई रिकॉग्नाइज ना किया है, ना पहले किया है, ना अब करा है और ना आगे करेंगे। तो ये था पाकिस्तान का, पाकिस्तान की फौज की छोटी सोच और छोटा दिमाग। अब आप इसको ऐसे सोचिए कि पाकिस्तान इसको दूसरे तरीके से खेलता। जब अमेरिका की मदद करने के लिए पाकिस्तान खड़ा हुआ तब वॉर ऑन टेरर जोर शोर से वो लड़ता, अपने मुल्क के अंदर जितने भी टेरर फैक्ट्रीज थी, टेरर ऑर्गेनाइजेशन थी, उनको बंद करता, तालिबान की लीडरशिप को पकड़वाकर अमेरिका के हवाले करता और तालिबान को पूरी तरह डिसमेंटल कर देता, अलकायदा को पूरी तरह निस्तेनाबूद कर देता अमेरिका की मदद से और अपने मुल्क के अंदर एक नए सिरे से अपने मुल्क की तामील करता। लेकिन वो ऐसा नहीं, क्योंकि उसका फोकस अफगानिस्तान के अंदर स्ट्रेटेजिक डेप्थ, स्ट्रेटेजिक डेप्थ का मतलब है कि हिंदुस्तान वहां पर ना आ पाए और अगर हिंदुस्तान से युद्ध होता है और पाकिस्तान लाजमी बात है वो हारेगा, सेनाएं वहां से भागेंगी, तो सेनाएं जाके अफगानिस्तान में शरण ले ले और अफगानिस्तान से फिर भारत के ऊपर हमले करें। ये था उनका स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट। और भारत के खिलाफ जो उन्होंने दहशतगर्द जमादें पाली हुई थी उनका इस्तेमाल करते रहे, कश्मीर को हासिल करने के लिए वो अपना गेम खेलते रहे। तो ये इनका दिमाग था और आज ये हालत हो गई है कि 24वां बेल आउट प्लान IMF का लेने के लिए ये तैयार हैं, खड़े हुए हैं और अब आगे क्या होगा। तो आगे मेरा ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान ने अपने बुनियादी असूलों को छोड़ा है, क्या वो मॉडर्निटी के रास्ते पर चलने को तैयार है, क्या उसका कोई सिग्नल संकेत हमको देखने को मिलता है, क्या वो जमहूरियत और जमहूरी ताकतों को पनपने देगा, क्या पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल पॉलिटिक्स और इंटरनल अफेयर्स के अंदर या नेबरिंग कंट्रीज के अंदर दखलंदाजी खत्म होगी, क्या पाकिस्तान लिबरल मुल्क बनेगा, क्या वहां पर प्रेस की आजादी होगी, क्या वहां पर फौज के ऊपर किए जाने खर्चे में कमी आएगी, क्या एजुकेशन और इस तरीके की बुनियादी चीजों पर, हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट होगा, क्या उसका नजरिया
एंटी इंडिया और इंडिया खौफ को मद्देनजर रखते हुए बदली होगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको अगर नहीं में मिल रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि बहुत जल्द हम 25वां और 26वां आईएमएफ बेलआउट भी देखेंगे। और जैसा मैंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में पाकिस्तान आने वाले समय में बहुत बुरी दलदल में फंसने वाला है, बहुत बड़ी क्राइसिस फेस करेगा और इस मुल्क में इंटरनल डिसेंट और इंटरनल रिफ्ट्स जो हैं और खुलकर दिखेंगी। मेरा ये मानना है और मेरा ये अंदाजा है कि इस मुल्क के अंदर हम एक सिविल वॉर देखेंगे, क्योंकि इस मुल्क के लोगों ने, खास तौर से पंजाबियों ने और पख्तूनों ने, जो इस मुल्क की जो बुनियाद है, इनका ट्रस्ट फौज पर खत्म होता जा रहा है और जो लोग सिलेक्ट करके बिठाए गए हैं उनके पास पाकिस्तान को चलाने का मैंडेट नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि अभी तक गलियों में, रोड्स पर, मोहल्लों में, गांव कस्बों में फौज के खिलाफ लोग उतरे नहीं हैं। कब तक इस तरीके से चलेगा ये देखना होगा, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि आईएमएफ का पैकेज मिल जाएगा, लोगों की दाल रोटी चलती रहेगी, गोश्त की बोटी मिलती रहेगी, तो शायद थोड़े दिन के लिए ये और चुप हो जाए। लेकिन बहरहाल जिस तरीके से ये संकेत दिख रहे हैं वो ऐसा लगता नहीं है कि यहां पर कोई सुधार होगा। और इसको और समझने के लिए आप पिछले 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए और हर साल आप देखेंगे कि पाकिस्तान दलदल में फंसता ही गया है, चाहे कोई सा भी एक्सपेरिमेंट फौज सामने लेके आए, लेकिन एक भी लम्हा ऐसा हमको देखने को नहीं मिला कि पाकिस्तान ने उभरने का या बाहर निकलने का कोई इंडिकेटर दिया हो। तो इसी के साथ मेरा ये पॉडकास्ट यहां पर समाप्त होता है। आपको ये पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।